Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Bilal and welcome to my channel. So guys, जो के आप ये बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं ना, आज का व्लॉग इसी के अबाउट है. तो जनाब अभी मैं अपने स्कूल में हूँ, ठीक है. तो इधर काम स्टार्ट था तो मैंने सोचा यार आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ थोड़ी सी इन मशीनों के बारे में. तो पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह में ये मशीनों के वीज़े के लिए ना लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसकी इसको सीखने के लिए. तो आज इसी अबाउट हम बात करेंगे, ठीक है. अभी मैं देखता हूँ अंदर बंदा है. हाँ, एक बंदा है, इसको ज़रा मैं बुलाता हूँ और उससे थोड़ा सा पूछता हूँ इसके बारे में. भैया जी, अस्सलाम वालेकुम भाई. जी भाई, आपका आप थोड़ा अपना तारफ करवा दीजिएगा. आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तमूर है. तमूर, आप कहाँ से हैं? इंडिया, पाकिस्तान? पाकिस्तान से. पाकिस्तान, माशाल्लाह. कौन से सिटी से? गुजरात. गुजरात, क्या बात है, गुजराती भाई आप हैं. अच्छा, तो गुजराती में ज़रा हाल चाल पूछना मेरे दोस्तों का गुजराती में. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब भाई, ठीक ठाक है? तो आप इस मशीन के ऑपरेटर हैं? हाँ, ये वाली क्या नाम है इसका? इसका नाम बूम लोडर है. बूम लोडर, बूम लोडर. और वो वाली का नाम क्या है, छोटी वाली का? वो बॉब कैट है. वो बॉब कैट. बॉब कैट, ये वाली? ये शॉवल है. शॉवल, बॉब कैट, शॉवल, बम थेट, बम लोडर, बम लोडर एंड एक्सीवेटर. यस, ओके. बॉब कैट, शॉवल, शॉवर, बम लोडर एंड एक्सीवेटर. हाँ, ओके. तो अगर यूएई में इनका अगर लाइसेंस गेट करना हो तो एक ही लाइसेंस सबका है या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस है? लाइसेंस इनका एक ही है. एक ही है? कौन सा नंबर है लाइसेंस का? 8 नंबर. आठ नंबर लाइसेंस है, मतलब कि यूएई में 3 नंबर जो लाइसेंस है वो है छोटी गाड़ी का, पिकअप. जो यूएई में है ना वो 3 नंबर तो हो गया छोटी कार का. ओके, कार में छोटी रिकवरी भी आ जाती है. ओके, और जो 4 नंबर है ना उसमें ये बड़ी रिकवरी वगैरह आती है. हाँ, और जो 5 नंबर लाइसेंस है उसमें उससे बड़ा मशीन आती है, 4 हज़ार की गाड़ी आती है. ओके, उसके बाद 6 नंबर है. 6 नंबर, 8 नंबर में वो भी है एक बड़ी सी जो क्रेन है इधर जो. हाँ, वो भी 8 नंबर है ना. क्या बात है दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया ये लाइसेंस के अबाउट भी, क्योंकि जो भी दुबई में आता है उसके वो तभी कामयाब हो जाता है जब वो लाइसेंस गेट करता है, हासिल करता है. हाँ, तो भाई थोड़ा सा हमें इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जैसे ये बूम लोडर है, ठीक है, इनके बारे में या दूसरे एक्सीवेटर्स के बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ी डिटेल में थोड़ा बता दें तो मेहरबानी होगी. पहले ये जो बूम लोडर है ना, हाँ जी, इसका सबसे पहले जब आप कोई भी मशीन को चलाने से पहले आप इसका तेल पानी चेक करें. हाँ बिल्कुल, ये तो चीज़ ज़रूरी है. ये जो है इसका तेल और पानी. हाँ ज़रा दिखा दें किधर है. ओके, क्या बात है. ये जो है इसका इधर पानी होता है. ओके, इसके अंदर जो है ना, मतलब इधर वाटर है, वाटर डालना है. ओके, ये वाला जो गेज है ना, ये वाला, हाँ, ये हो गया इंजन के ऑयल का. इंजन ऑयल, ओके, ये इंजन ऑयल का गेज है. और ये वाला जो गेज है ना, ये गियर ऑयल का. गियर ऑयल, गियर ऑयल, मतलब इसके अंदर गियर ऑयल है, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर डीजल, सॉरी ऑयल, इंजन ऑयल. इंजन ऑयल, ओके. ये वाला हर 2-3 दिन के बाद इसको साफ करना है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए. हाँ, लाजम. ओके ओके ओके, जो ये बूम को हल कर देते हैं, बूम वगैरह, जैक वगैरह,
हाँ तमूर भाई, एक और बात है, ये जो इसके टायर है मुझे बिल्कुल न्यू लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बता दें कि यूएई में कितनी देर के बाद आपके टायर चेंज करने हैं, जैसे हाँ टायर लाइफ कितनी है यूएई के अंदर? हाँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा ना इधर, तो मतलब के हर दो तीन महीने के बाद टायर चेंज होता है। इसकी ये लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बूम वगैरह हरकत करता है ना, हाँ उसका ये गेज लगा हुआ है। क्या बात है? क्या नाम क्या बताया आपने इसका? अड्रॉलक। अड्रॉलक 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 जिसकी वजह से ये बूम वगैरह निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला ये बूम, इसको बूम बोलते हैं ना, ये जो आगे की तरफ जाता है, ये कैरी करता है जो चीज़ें। ये मशीन इधर खड़ी हुई है ना, ठीक है, तो एक स्कूटर भी ये जा सकता है तकरीबन ये जो 10 फीट 20 फीट कितना नहीं 170 फीट जा सकता है, इसको बूम लोडर बोलते हैं ये वाला जो, ठीक है। तो ये जनाब 170 फुट तक आगे जा सकते हैं। अभी हम आपको ये आगे करके दिखाएंगे थोड़ी देर तक, पहले दूसरी चीज़ें जान लेते हैं फिर आपको ये चीज़ दिखाते हैं। जो ब्रेक ऑयल होता है उसकी किसी मशीनरी की डब्बी जो होती है ब्रेक ऑयल की, इधर भी लगी होती है। ओके ठीक है, लेकिन इसकी डब्बी ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर है वो, इसका लॉक लगा है, इसको खोलेंगे जैसे बोनट नहीं है गाड़ी का कार का आगे से, हाँ इस तरह ये इधर हो जाएगा। ओके, खोल के ये डब्बी लगी है, इसके अंदर अड्रॉलक आता है, जो अड्रॉलक 37 नंबर है ना वो अड्रॉलक ब्रेक ऑयल के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब ये उसका लॉक है, ठीक है, ये तो जब हम हाँ या इसको जब पुल करेंगे तो ये खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक हो, पर इसके अंदर ही वो ब्रेक सारा बिल्कुल अच्छी। ओके थोड़ा बता दें, थोड़ा आगे आप चाहे ना मैं भी आता हूँ जरा तेरी। ओके थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा ये जो सिस्टम है, थोड़ा ये इसका सिस्टम ये है कि ये इसके दो लीवर है, हाँ इसके साथ वो देखे बाकेट जो है ना ये वाला, हाँ अप डाउन होता है। ओके इसके साथ, हाँ इसके साथ, इसको इस तरफ करेंगे बाकेट बंद होगा, आगे करेंगे खुलेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब कि बैक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, बिल्कुल आगे करेंगे तो वो खुलेगा, ठीक हो गया। ये जो लीवर है इसके साथ बूम देखा ऊपर भी जाता है, ये वाला करेंगे बूम ऊपर जाएगा, ओके आगे करेंगे बूम नीचे आएगा, सही वही वही है ना, बिल्कुल ठीक है। ये जो बूम है, हाँ ये ठीक है, इसका ऊपर नीचे होता है इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, जैसे उसका है पीछे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये आगे करेंगे तो वो दो हिस्से में काम करता है, ये चार हिस्से में काम, ये चार हिस्से में करता है, इसको भी इस तरफ करेंगे बूम खुलेगा। ओके वो देखा अभी बूम खुल रहा है, हाँ ये बूम खुल रहा है, ठीक है, कैसे करने से देखिए इसको इस तरफ, हाँ इस तरफ करने से ये दो बूम इसके इस तरह ही निकलेंगे, जो दो इस तरह करें तो ये वापस होगा, ये बंद वापस होगा, इसके तीन बूम होते हैं टोटल। ओके तीन, हाँ जो तीसरा बूम है ना जो लास्ट वाला होता है वो लॉक से खुलेगा, वो लॉक से खुलेगा, उसका ये लॉक होता है, कौन सा ये वाला, हाँ ये वाला, उसके ऊपर ये बूम का निशान भी दिया हुआ है। Okay. इसको इस तरफ करेंगे आगे करेंगे यानी कि खोलेंगे बूम स्लीपर से इस तरफ, मतलब बूम को हमेशा उसे उस तरफ करके इस तरफ करेंगे खुलेगा, ये बटन दबा के रखेंगे तो फिर तीसरा बूम खुलेगा, ठीक है, मतलब अगर बूम को जब भी ओपन करना है राइट साइड पे करना है इसको, बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, इसको लीवर बोल, लीवर लीवर को राइट साइड पे करना, बिल्कुल, तो जब भी उसको रिटर्न करना तो हाँ तो इसको बंद करेंगे, इसको इस तरफ करेंगे, हाँ तीसरा बूम है ना जो उसको बंद करने के लिए भी थोड़ा चालू रखना, हाँ। जो तो लीवर है ना इससे क्या होता है, आप जरा लीवर पुश करना, मैं एक मिनट नीचे जाकर अपने दोस्तों को दिखाता हूँ। ओके भाई आप लीवर जरा पुश करें, ये जो जैक है वो लीवर पुश करने से ये चेक जैक के ना जो ये नीचे आते हैं ये एक्चुअली स्पोर्ट है इसकी, जब भी ये कोई भी चीज़ लोड करता है तो इसको जनाब ये नीचे कर लेता है स्पोर्ट के लिए, ठीक है ना, ऐसे करने से फिर ये गाड़ी मतलब कि कल्टी नहीं होती, ऐसी सेम रहती है, क्योंकि ये नीचे से स्पोर्ट मिल गई इसको तो फिर इससे ये फिर आगे से चीज़ें उठाता है, अगर दूर से उठानी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर जाता है। थोड़ा ओपन करके दिखाना इसको, अभी आपको दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर जाता है, आई थिंक अभी पहले वो बता रहे थे 170 फीट, तो
तो 170 फीट जब ये दूर से चीज़ उठाएगा पक्का फिक्स करेगा, क्योंकि गाड़ी का जोर लगता है और गाड़ी बहुत ज़्यादा वजन उठाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ का नीचे होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट मिल जाती है। अभी आपको ये हरा जितना देर हरा रहेगा ना, ठीक है, उतना देर मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप येलो के ऊपर जाते हैं, येलो पे जाएंगे तो यानी कि ये जो पीली लाइट है ना, पीले कलर में, हाँ ठीक है, ये वाले बिल्कुल बिल्कुल येलो, हाँ। इसके ऊपर जाएगी फिर वो वार्निंग दे रहा है, वार्निंग का वो, और रेड पे जाएगी तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, रेड पे जाएगी फिर ये रोला डाल देगी इस तरह, ओवर ओवर, हाँ पंजाबी में रोला, हाँ ठीक है, तो पता चल गया भाई ओवर हो रहा है। ओके करेंगे आगे का गेट, ये गेट है इसका, ठीक है, कितने गेट हैं टोटल? चार गेट हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गेट है, ओके, इसको घुमाएंगे आगे, सेकंड, तीसरा, बहुत इजी है, मतलब कि आगे आगे करते जाना है, आगे आगे करना है, लेकिन ब्रेक का आसरा लेके करना है, ब्रेक, ओके ओके ओके, ये ब्रेक है, ब्रेक, ये इसकी लाइटिंग का सिस्टम सारा, हाँ बिल्कुल, ओके, ये इसका हैंड ब्रेक है, ये उतनी देर ये नीचे नहीं जाएगा, ये इसका ना लॉक लगा, ओके, इसको ऐसे दबाएंगे नीचे तो फिर जाएगा, हाँ अभी पीछे का गियर लगाएंगे गाड़ी पीछे जाएगा, ओके, इसको नीचे करके पीछे का गियर लगाना, हाँ आगे करना फिर भी, यानी कि ये ब्रेक है हैंड ब्रेक, ओके सेम ही है, ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा चलो, ये जब एक और बात ये है कि जब आप वजन दूसरी जगह यानी कि ट्रांसफर करते हैं बूम निकाल के, हाँ आप जैक लगाते हैं, ये आपका लेवल,
वो भी एकदम सही। ओके जनाब, अभी हम इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बोमकैट। ओके, तो बोमकैट की कोऑपरेट करते हैं अपना मदर हुसैन। मदर हुसैन, मदर हुसैन भाई हमें थोड़ा सा बताएं यार इसके बारे में, बोमकैटर के बारे में। किधर वाला? ये वाला, इसको रेडिलेटर, ये वाला हिस्से में पानी डाल दें। रेडिलेटर, ओके, इसके अंदर पानी डाल दें। इंजन ऑयल थोड़ा निकाल के दिखाएं। हाँ ठीक हो गया, इंजन ऑयल। ओके, इसके अंदर इंजन ऑयल और इसके अंदर पानी डाल रहे हैं हम लोग, डन हो गया। और डीजल वगैरह किधर? डीजल वाला ये है, क्या ट्रालक का क्या होता है उसका कवर? ये बॉकेट को ऊपर नीचे करता है, मतलब चिकना चिकना रहना चाहिए, चिकना चिकना। जनाब एयर प्रेशर मशीन है, ठीक है, इसके थ्रू टायर में हवा भरते हैं ये लोग, ठीक है।